ايه bounded नाइस क्वेश्चन इंटीग्रल सामने देखेंगे डीएक्स डीवाई डीजेड द थिंग इज हमें आदत है और ठीक भी है कि भाई डबल अलग कर लो और जेड अलग कर लो है ना। अब जेड की लिमिट्स क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है नहीं बन रहा डायग्राम तो। ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, लिमिट तो लगानी है। एक में जेड टू है, दूसरे में जेड फोर माइनस वाई है। हद से हद यही होगा ना, लिमिट गलत लग के आंसर नेगेटिव आ जाएगा, उसको प्लस बना दीजिएगा। नहीं तो बात कर लेंगे, भी बता भी देंगे आपको ऊपर क्या आएगा, बस उसकी जरूरत नहीं है। वॉल्यूम में, वॉल्यूम में ही प्लस पॉइंट है। निकालो आंसर, निकालो। टू फाइव माइनस एट बाय थ्री। बहुत ही ज्यादा मतलब ओके, सो दिस विल बी एक्स वाई प्लेन अलग किया आपने, टू माइनस फोर। अब हम एक्स वाई प्लेन में, बट ये याद रहे कि पहला ऑक्टेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जो भी जाएगा ना, यू नो सब कुछ नॉन नेगेटिव है। तो ये बनेगा क्या, ये तो वन फोर्थ सर्कल है, खाली इतना पोर्शन ही तो बनेगा। सो इट इज एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू फोर। सो दिस इज, हाँ जी जरा साथ दीजिए, माइनस टू डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रल वाई डी एक्स डी वाई। अगर हम गलत नहीं है तो ये तो एरिया के लिए स्टैंड कर रहे हैं, अब तक तो हो जाना चाहिए भाई, लेवल आ जाना चाहिए आप लोगों को। सो इट इज एरिया ऑफ द सर्कल है ना, यू नो विथ सर्कल, लेकिन फोर्थ पार्ट है खाली। वट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, फिर फोर से डिवाइड नहीं करोगे, वन फोर्थ ऑफ द एरिया। ये अगर पूरा सर्कल दिया होता तो देखते ही बोल देते जीरो है, बट अब नहीं आएगा। हाँ जी, थीटा कहाँ से कहाँ है, आर कहाँ से कहाँ है जरा बताइए। थीटा जीरो से आर जीरो टू वाई, वाई की जगह आर साइन थीटा, और आपका जेकोबियन तो है ही, कोई बात नहीं। यानी यहाँ तक आ गए आप लोग, अब देखो भाई थोड़ा सा और, ये कितने लोग पहुंच गए यहाँ तक, थोड़ा सा और लॉजिक लगा के आप एग्जैक्ट लिमिट्स भी निकाल सकते हैं। लेट मी टेल यू, यस एक ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी कराया था आपको, अब यहाँ वाला भी देख लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा, जेड इक्वल टू टू है और दूसरा जेड इक्वल टू क्या है, फोर माइनस वाई। हाँ जी, ये बड़ा है वो छोटा है क्या है देख लेते हैं। तो दिस इज लेस देन दिस इफ, ठीक है, और ग्रेटर के लिए क्या होगा, सो टू इज ग्रेटर देन फोर माइनस वाई इफ। ठीक है, जरा पिक्चर देखिए,
देखिए देखिए पिक्चर देखिए, पॉइंट्स बताइए। अरे बता ही नहीं रहे आप तो, ये क्या पॉइंट आएगा आपका? टू आएगा ही नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा माइनस। आप जरा पिक्चर देख के बताओ क्या है क्या नहीं। यस वाई टू से कम है नहीं है, फिर क्या यू नो विच वन इज लोअर विच वन इज अपर। क्लियर हो गया? एक बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको जैम का ही, वो उसमें जब ये सारी कहानी बता रहे थे कि लिमिट गलत लगा दी तो भी हो जाएगा, मॉड्यूलस ले लीजिए, सब कुछ बताया था। करिए फटाफट निकालिए आंसर ऑल ऑफ यू। एक तो इनके शोर से नहीं तो परेशान है, क्या चाहते पता नहीं। मतलब आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सही लिमिट भी निकाल सकते हो। भाई थोड़ा सा साउंड में डिस्टरबेंस है, आई होप वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। टाइम लगा दिया बहुत ज्यादा आप लोगों ने। मतलब कर घर पे बैठ के देखिएगा इसको, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे। डायग्राम नहीं है, तो कंस्ट्रेंट से ही ऐसे हैं जो बता देंगे आपको। यही बना ना आप लोगों का भी? यस सर। ये हो जाएगा आपका -1 -1 प्लस आ रहे हैं तो ठीक है, व्हाटएवर द थिंग इज नेक्स्ट।